इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इग्नू के नए स्टूडेंट हैं, आपका एडमिशन जुलाई 2021 सेशन में हुआ है, तो आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम फीस आपको कब सबमिट करना होगा और असाइनमेंट कब और कहां पर आपको सबमिट करना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका री रजिस्ट्रेशन कब होगा। वीडियो को कम्प्लीट देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एडमिशन का सेशन चेक करना होगा कि आपका जो एडमिशन है वो कौन से सेशन में हुआ है, क्योंकि इग्नू के तरफ से जुलाई 2021 सेशन का जो एडमिशन है वो 10 जून से लेकर के 15 दिसंबर तक हुए हैं। तो एडमिशन का सेशन चेक करने के लिए आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर आना होगा। यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, प्रोग्राम कोड यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, वेरिफिकेशन कोड यहाँ डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपके एडमिशन का क्या सेशन है। अगर यहाँ पर जुलाई 2021 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो एडमिशन है वो जुलाई 2021 सेशन का है। एडमिशन का सेशन चेक करने के बाद अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। तो देखिए, अगर आपका एडमिशन जुलाई 2021 सेशन में बैचलर डिग्री के किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में हुआ है, जैसे कि बीए जी, बीकॉम जी, बीएससी जी या फिर बीए का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है, तो जो आपका एग्जाम है वो जून 2022 सेशन में होगा। और इसी तरीके से अगर आपका एडमिशन जुलाई 2021 सेशन में हुआ है मास्टर डिग्री के किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में, जैसे कि एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए संस्कृत या फिर एमए सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एमकॉम, तो आपका भी जो एग्जाम है वो जून 2022 सेशन में होगा। और इसी तरीके से अगर आपने जुलाई 2021 सेशन में किसी भी ईयरली बेस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो जो आपका भी एग्जाम है वो जून 2022 सेशन में होगा। और इग्नू में ये होता है कि एग्जाम देने से पहले ऑनलाइन आपको एग्जामिनेशन फीस सबमिट करना होता है इग्नू के इस वेबसाइट से। पर सब्जेक्ट का एग्जाम फीस जो है आपका 200 रुपए होता है, पर अभी जो है आपका एग्जाम फीस सबमिशन का पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ है, इसमें अभी बहुत ज्यादा समय है। अब बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो जून 2022 सेशन में होगा, तो उसके लिए आपको एग्जाम फीस कब सबमिट करना होगा। तो अभी के सिचुएशन को देखते हुए आपके जून 2022 एग्जाम के लिए जो एग्जामिनेशन फीस सबमिशन का पोर्टल है वो मई में एक्टिव किया जा सकता है। जब किया जाएगा तो आपको चैनल के थ्रू पता चल जाएगा। और इग्नू में ये होता है कि आपको एग्जाम देने से पहले असाइनमेंट भी बना करके सबमिट करना होता है। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं, जितने भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो एग्जाम देने से पहले आपको सभी सब्जेक्ट का जिनका आप एग्जाम देना चाहते हैं उसका आपको असाइनमेंट बना करके लास्ट डेट से पहले सबमिट करना होगा। और अब बात करते हैं कि आपको असाइनमेंट कब सबमिट करना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका एडमिशन जुलाई 2021 सेशन में हुआ है बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में या फिर डिप्लोमा के किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में, तो जो आपका एग्जाम है वो जून 2022 में होगा और उसके लिए आपको असाइनमेंट जो है मार्च में सबमिट करना होगा। जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया जाएगा और आपको अप्रैल तक असाइनमेंट सबमिट करने का मौका दिया जाएगा। और यहाँ पर आप सभी का एक और कंफ्यूजन है कि जिनका सीबीसीएस वाला प्रोग्राम है, जैसे कि बीए जी, बीकॉम जी, बीएससी जी और बीए के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है, जैसे कि बीए इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बीए वीटीएम, और इसके अलावा और भी कई प्रोग्राम कोड है, तो आपको जो एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया होगा उस पर इस तरीके से सेमेस्टर 1 लिखा होगा और सेमेस्टर 2 लिखा होगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम है जिसका लिस्ट अभी मैंने आपको दिखाया है, ये सभी जो है ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। इन सभी का आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम और असाइनमेंट एक साथ ही देना होगा। एग्जाम भी एक साथ ही देना होगा दोनों सेमेस्टर का, और असाइनमेंट भी आपको एक साथ ही सबमिट करना होगा दोनों ही सेमेस्टर का। और अब बात करते हैं कि जून 2022 एग्जाम के लिए आपको कौन सा वाला असाइनमेंट बना करके सबमिट करना होगा। तो आपको जो है 21-22 सेशन का जो लेटेस्ट वाला अभी असाइनमेंट है यही बना करके सबमिट करना होगा जून 2022 एग्जाम के लिए। इसके अलावा मैंने असाइनमेंट के रिगार्डिंग एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है और वो है ये। इसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि आपको असाइनमेंट कहाँ पर सबमिट करना होगा, असाइनमेंट बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन पेपर को आप कैसे डाउनलोड करेंगे और आपके किन गलतियों के कारण आपका असाइनमेंट रिजेक्ट किया जा सकता है, तो उन सभी चीजों के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, इसका लिंक नीचे दिया गया है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जब आपका असाइनमेंट बन जाता है तो लास्ट डेट से पहले आपको असाइनमेंट जो है जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहां पर जाकर के ऑफलाइन मोड में सबमिट करना होता है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, तो उन सभी चीजों को मैंने इसमें बताया हुआ है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अब बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि जिनका जुलाई 2021 सेशन में बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री में एडमिशन हुआ है तो उनका री
रजिस्ट्रेशन को लेकर के भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये री रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो देखिए इग्नू में ये होता है कि जब आपका एक साल कंप्लीट हो जाता है तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने से पहले ही आपको सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, क्योंकि इग्नू में है कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। और इसमें ये होता है कि जब आपका एक साल पूरा हो जाता है और जैसे ही आप री रजिस्ट्रेशन सही टाइम पर करवा लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिए जाते हैं और आप सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हैं। चाहे आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया हो या फिर ना दिया हो, या फिर आप एग्जाम देते हैं एग्जाम में आपका बैक वगैरह आ जाता है, फिर भी आप सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हैं अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अब बात करते हैं कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट है जिनका जुलाई 2021 सेशन में किसी बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है तो उनका री रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो आपका जो री रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई 2022 सेशन में होगा, और अभी जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो है जनवरी 2022 सेशन का। आपका जो री रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई 2022 सेशन में होगा, और जुलाई 2022 सेशन के लिए जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा इसका जो पोर्टल है वो जो है मई के फर्स्ट वीक में एक्टिव किया जा सकता है। उसके लिए अभी बहुत ज्यादा समय है, ये जो है मई के फर्स्ट वीक में एक्टिव किया जा सकता है या फिर अप्रैल के लास्ट वीक में एक्टिव किया जा सकता है। जब भी किया जाएगा आपको चैनल के थ्रू पता चल जाएगा। ये तो फिलहाल एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारा मैसेज किया है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।